बार अपनी भावनाएं, क्योंकि बोल तो सकता नहीं, तो वो अपने हाथों के आकार से बनाता है और अपनी भावना करता है। ये आकार आकृतियां दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। उसी तरह इंडियन क्लासिकल डांस में भी उतनी ही मायने रखती हैं। इन्हें हम मुद्राएं कहते हैं। आज इंटरनेशनल वर्ल्ड डांस डे के दिन और लेसन फर्स्ट मैं आपको असंयुक्त हस्त मुद्रा और उनके प्रयोग की तरफ ले चलती हूं। चारों उंगलियों को सीधा रखेंगे, अंगूठे को सटा देंगे। इसका प्रयोग हम आशीर्वाद देने के लिए करते हैं। त्रिपताका, अनामिका उंगली को बैंड कर देंगे। इसका प्रयोग हम तिलक लगाने में करते हैं। अर्धपताका, छोटी उंगली को बैंड कर देंगे। इसका प्रयोग हम जलता हुआ दीपक दिखाने के लिए करते हैं। कर्तरी मुख, अंगूठे को अनामिका उंगली से जोड़ देंगे और दोनों उंगलियों को खोल देंगे, इंडेक्स और मिडिल को। इसका प्रयोग हम द्विमुख दिखाने के लिए करते हैं। मयूराक्ष, छोटी उंगली इंडेक्स और मिडल फिंगर को खोल देंगे, सीधा कर देंगे। इसका प्रयोग हम मयूर के पंख दिखाने के लिए करते हैं। आदिचंद, उंगलियों को हम सीधा कर देंगे और अंगूठे को भी एक अच्छी दूरी पर रख देंगे। इसका प्रयोग हम आदि चांद दिखाने के लिए करते हैं। अराल, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को जोड़ देंगे। इसका प्रयोग हम कुंड पहनने के लिए करते हैं। शुकतुंड, अनामिका उंगली को हम बैंड कर देंगे और अंगूठे को एक अच्छी दूरी पर रख देंगे। इसका प्रयोग हम तोते का सिर दिखाने के लिए करते हैं। मुष्टि, चारों उंगलियों को बैंड कर देंगे और अंगूठे को उसके ऊपर रख देंगे। इसका प्रयोग हम परिणाम या प्रमाण दिखाने के लिए करते हैं। शिखर, अंगूठे को सीधा कर देंगे। इसका प्रयोग हम शिव के सूचक दिखाने के लिए करते हैं। कपित, इंडेक्स फिंगर को हम अंगूठे के ऊपर रख देंगे। इसका प्रयोग हम पक्षी का दाना चुभने के लिए करते हैं। कटका मुख, यह ध्यान देने वाली बात है, कटका मुख तीन प्रकार से यूज किए जाते हैं। पहला, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अंगूठे के ऊपर रख देंगे, अनामिका उंगली को और छोटी उंगली को खोल देंगे। इसका प्रयोग हम मूसक के सिर को दिखाने के लिए करते हैं। कटका मुख, अनामिका उंगली को बैंड कर देंगे, छोटी उंगली को भी बैंड कर देंगे। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अंगूठे के ऊपर ही रहने देंगे। इसका प्रयोग हम चिड़िया या पक्षी के सिर को दिखाने के लिए करते हैं। कटका मुख, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को जोड़े ही रखे रहेंगे और मिडिल फिंगर को बैंड कर देंगे, अनामिका और छोटी उंगली भी खुल जाएगी। इसका प्रयोग हम घूंघट लेने में करते हैं। सूची, इंडेक्स फिंगर को हम खोल देंगे। इसका प्रयोग हम किसी को सूचित करने के लिए करते हैं। चंद्रकला, अंगूठे को खोल देंगे। इसका प्रयोग हम शिव की जटा में धारित चांद के लिए करते हैं। पद्मकोश, उंगलियां और अंगूठा इनको अच्छी दूरी पर खोल देंगे। इसका प्रयोग हम कंकाल की मुंडी दिखाने के लिए करते हैं। सर्पशीर्ष, उंगलियों और अंगूठों को हम जोड़ देंगे और कर्व दे देंगे। इसका प्रयोग हम सांप दिखाने के लिए करते हैं। मृगशीर्ष, इंडेक्स मिडिल और रिंग फिंगर को हम बैंड कर देंगे। इसका प्रयोग हम हिरण दिखाने के लिए करते हैं। सिंहमुख, अंगूठा और मिडिल फिंगर अनामिका को जोड़ देंगे। इसका प्रयोग हम शेर दिखाने के लिए करते हैं। कांगुल, उंगलियों को हम खोल देंगे और अनामिका उंगली को हम बैंड कर देंगे। इसका प्रयोग हम घंटी दिखाने के लिए करते हैं। अल्पर्ध, चारों उंगलियों और अंगूठे को अच्छी दूरी पर खोल देंगे। इसका प्रयोग हम खिलता हुआ कमल दिखाने के लिए करते हैं। चतुर, छोटी उंगली को खोल देंगे और अंगूठे को उंगलियों के ऊपर रख देंगे। इसका प्रयोग हम किसी को भोजन कराने के लिए करते हैं। भ्रमर, इंडेक्स फिंगर को हम मोड़ देंगे, मिडिल फिंगर को अंगूठे से जोड़ देंगे। इसका प्रयोग हम भवरा दिखाने के लिए करते हैं। हमसास्य, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को जोड़ देंगे। इसका प्रयोग हम लेखनी लिखने के लिए करते हैं। हमपक्ष, उंगलियों को हम जोड़ देंगे अंगूठे से और छोटी उंगली को सीधे रखेंगे। इसका प्रयोग हम बालक दिखाने के लिए करते हैं। संगम, इसमें उंगलियों को और अंगूठे को गति दे देंगे। इसका प्रयोग हम भय लगने से करते हैं। मुकुल, उंगलियों और अंगूठों को जोड़ देंगे। इसका प्रयोग हम छोटी छोटी कलियां दिखाने के लिए करते हैं। तांत्रिक, इंडेक्स फिंगर को हम
स्ट्रेच कर देंगे और बेंड कर देंगे। इसका प्रयोग हम राक्षस के सीन दिखाने में करते हैं। त्रिशूल, इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर को सीधा कर देंगे और इसका प्रयोग हम दिव्य त्रिशूल दिखाने के लिए करते हैं। जो ध्यान देने वाली बात है, असंयुक्त मुद्राओं को देखें, याद कीजिए और एक नोटबुक बनाइए और फिर उस पर लिखिए बिना वीडियो देखे। और फिर आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी